और चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, महाराष्ट्र तील सर्व बंधु भगिनीना माझा नमस्कार। महाराष्ट्र तील सर्व बंधु भगिनीना माझा नमस्कार। आज मुझे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। इन प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इनमें रोड और रेल परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र के नौजवानों के कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना भी शामिल है। इनसे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण भी होगा। आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, 2-3 सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वधावन पोर्ट को भी स्वीकृति दी। 76,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपीज के इस प्रोजेक्ट से यहां 10 लाख से ज्यादा रोजगार बनेंगे। साथियों, बीते एक महीने से मुंबई देश विदेश के निवेशकों के उत्सव की साक्षी बनी है। छोटे बड़े हर निवेशक ने हमारी सरकार के तीसरे टर्म का उत्साह से स्वागत किया है। लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार ही स्थिरता दे सकती है, स्थायित्व दे सकती है। तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैंने कहा था कि तीसरे टर्म में एनडीए सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी और आज ये हम होते हुए देख रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है, महाराष्ट्र के पास सशक्त वर्तमान है और महाराष्ट्र के पास समृद्ध भविष्य का सपना है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के पास इंडस्ट्री की पावर है, महाराष्ट्र के पास एग्रीकल्चर की पावर है, महाराष्ट्र के पास फाइनेंस सेक्टर की पावर है। इसी पावर ने मुंबई को देश का फाइनेंशियल हब बनाया है। अब मेरा लक्ष्य है महाराष्ट्र की इसी पावर से महाराष्ट्र को
दुनिया का बड़ा आर्थिक पावर हाउस बनाने का। मेरा लक्ष्य है मुंबई को दुनिया की फिनटेक कैपिटल बनाने का। मैं चाहता हूं महाराष्ट्र टूरिज्म में भारत में नंबर वन राज्य बने। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के साक्षी विशाल किले हैं। यहां कोंकण के समुद्री तटों का मनमोहक दृश्य है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई से आप सुन रहे थे, जहां पर बड़ी सौगात आज महाराष्ट्र के लोगों को पीएम देंगे।